आज सारे मुल्क में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं पीडीएम सरकार को ठहराता हूं। इमरान खान साहब ने लाहौर रवाना होने से पहले कह दिया था अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो वारंट दिखा दिया जाए, मैं आज खुद अपनी गिरफ्तारी पेश कर दूंगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तूफान बदतमीजी बरपा किया गया उसका कोई जवाब नहीं था, शीशे तोड़े गए, वकला पर हमला किया गया, जख्मी किया गया, कारकुनों पर हमला किया गया, जख्मी किया गया और बिला वजह इश्तियाल दिलवाया। इमरान खान साहब के साथ जिस तरह एक साबिक वजीर आजम, एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह के साथ जो रवैया और जो सलूक किया गया उसका कोई कानूनी इखलाकी सियासी जवाज नहीं बनता। और फिर आपने देखा पूरे मुल्क में एक रद्द अमल सामने आया। इस वक्त इस्लामाबाद में पीजीआई की सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ और उस इजलास पे फैसला हुआ कि जो हमारे कारकुनान और जो शहरी अपना एहतजाज कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए और इस गैर कानूनी कार्रवाई के लिए के खिलाफ वो एहतजाज जारी रहेगा, लेकिन उसको पुरअमन रहना है, कानून के दायरे के अंदर रहना है।